हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नोवो क्रिकेट। पीएसएल लीग के दोबारा शुरू होने के बाद पहले मैच में राशिद खान ने जड़े ताबड़तोड़ रन दिलवाई, लास्ट ओवर में अपनी टीम को जीत। बताएंगे पूरी जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि पीएसएल लीग दोबारा से यूएई में शुरू हो गई है और उसके बाद आईपीएल भी यूएई में होना है। दोस्तों, राशिद खान ने लास्ट ओवर की लास्ट गेंद पर अपनी टीम लाहौर कलंदर को शानदार तरीके से पहले ही पीएसएल के मैच में जीत दिलवाई और उन्होंने बल्ले के साथ साथ गेंदबाजी में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 4 ओवर में केवल 9 रन दिए, हालांकि उन्हें विकेट नहीं मिला। मैच के अंतिम ओवर में 6 गेंदों पर इस्लाम कलंदर को 16 रन चाहिए थे और राशिद खान बैटिंग पर थे। राशिद खान ने 6 गेंदों पर 16 रन बनाकर अपनी टीम लाहौर कलंदर को जीत दिलवाई और राशिद खान को इसके लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस्लामा यूनाइटेड ने 9 विकेट खोकर 143 रन बनाए। लाहौर कलंदर की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जेम्स फोकनर बने। उन्होंने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट चटके 144 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए लाहौर कलंदर ने मैच की लास्ट गेंद पर मैच को अपने नाम किया और इस मैच का सारा श्रेय राशिद खान के बल्ले से निकला। राशिद खान ने दिखाया कि वह एक बेहतरीन गेंदबाज होने के साथ साथ एक बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं। पीएसएल लीग के पहले मुकाबले की शुरुआत बहुत ही रोमांचक हुई। आज पीएसएल लीग के 2 मैच खेले जाएंगे, तो अगर आप भी राशिद खान को एक बेहतरीन ऑलराउंडर मानते हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए।